हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रूमा देवी की अनूठी पहल, जिले को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, चमा गांव में बनेगा 10 करोड़ का आधुनिक खेल मैदान, प्रथम फेज में 2 करोड़ 32 लाख होंगे खर्च, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रूमा देवी ने जिले के खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने की अनुकरणीय पहल की है, जिसके तहत रूमा देवी सुगुणी देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायत चवा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 10 करोड़ की लागत से खेल मैदान तैयार करवाया जा रहा है। इस मॉडर्न स्टेडियम में राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग खेलों के वातानुकूलित कोर्ट तैयार करवाए जाएंगे। चमा गाँव में खेल मैदान के शुरुआती प्रथम चरण में 2 करोड़ 32 लाख की राशि खर्च करके निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। थार के बेटियों के सपनों को करेंगे साकार, हजारों रूमा के सपनों को लगेंगे पंख। श्रीमती रूमा देवी सुगुणी देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना समन्वयक हरि गढ़वाल ने बताया कि रूमा देवी का बचपन विद्यालय छूट गया, जिससे खेल के क्षेत्र में अपने अरमानों को साकार नहीं कर पाई, लेकिन अपने हुनर के जरिए हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया। अब जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों बेटों बेटियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एक अत्याधुनिक सुविधा युक्त खेल मैदान का निर्माण करवाएंगी। डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेलने सिवाना के राखी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गई थी, लेकिन उसके बाद विद्यालय छूट जाने के कारण आगे नहीं खेल पाई, जिससे मैं मेरे सपने तो पूरे नहीं कर पाई, लेकिन अब इस मॉडर्न स्टेडियम के निर्माण से पश्चिमी राजस्थान की हजारों बेटियां रूमा बनकर अपने सपनों पर खरा उतर सकेंगी। प्रतिकूल मौसम होने पर भी बेटियों को खेल में नहीं आएंगी कोई रुकावट। डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि पश्चिमी रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचता है तथा ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां अपने कई खेलों की प्रैक्टिस खुले मैदान में नहीं कर पाती, उसके लिए इस खेल स्टेडियम में इंडोर गेम की पूरी व्यवस्था रहेगी, जिससे गर्ल्स अपना अभ्यास निरंतर जारी रख सकेंगी एवं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव सर्दी गर्मी बारिश के दौरान भी खेल मैदान में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। विभिन्न तरह की मॉडर्न फैसिलिटी होने से रूरल यूथ का खेलों की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर चवा ग्राम पंचायत में स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें गर्ल्स के साथ साथ बॉयज प्लेयर को भी खेल सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्टेडियम में आउटडोर और इंडोर गेम्स के लिए अलग अलग कोर्ट का निर्माण होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी से लेकर तैराकी तक सारी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेडियम निर्माण के बाद बाड़मेर जिले की प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके अपना करियर बना पाएंगी। ये सुविधाएं मिलेंगी खेल मैदान में। ग्रामीण विकास चेतना संस्था के सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि खेल मैदान में एडमिन ब्लॉक 5150 वर्ग फीट में, एथलेटिक ट्रैक 6 लेन 300 मीटर में, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, ऊंची कूद, जवेलियन थ्रो के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम 30,000 वर्ग फीट में, पवेलियन निर्माण 3690 वर्ग फीट में, टेबल टेनिस कोर्ट 1550 वर्ग फीट में, बैडमिंटन कोर्ट 4080 वर्ग फीट में, कबड्डी मैदान 5450 वर्ग फीट में, बास्केटबॉल मैदान 9700 वर्ग फीट में, वॉलीबॉल कोर्ट 5450 वर्ग फीट में, बॉक्सिंग और कुश्ती के लिए मैदान निर्माण 1700 वर्ग फीट में, स्विमिंग पूल 13350 वर्ग फीट में, हॉस्टल ब्लॉक 6970 वर्ग फीट में, सार्वजनिक प्रसाधन 700 वर्ग फीट में और योगा मेडिटेशन सेंटर सहित खिलाड़ियों के लिए अलग अलग छात्रावास व्यवस्था और जिला स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक टूर्नामेंट करवाने की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्टेडियम के यह रहेगी खासियत एवं विशेषताएं। स्टेडियम का पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करवाया जाएगा। अधिकतर खेल मैदान निर्माण के दौरान दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था टीन शेड टाइप ही बनाई जाती है, लेकिन स्टेडियम में ट्रैक के बीच जो पवेलियन बनेगा उसमें 2 मंजिला बिल्डिंग बनाकर वीआईपी सीटिंग एरिया सहित वातानुकूलित हॉल तैयार किए जाएंगे। अक्सर सभी गेम एक ही कोर्ट में होते हैं, तब सभी बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन इस खेल मैदान में हर गेम को अलग तरीके से स्थान दिया गया है, जिससे खिलाड़ी अलग अलग कोर्ट में अपनी पसंद के अनुरूप फुल टाइम खेल सकेंगे। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के साथ साथ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें खिलाड़ियों को रहने की कोई समस्या नहीं होगी। खेलों के साथ साथ खेल मैदान में योगा मेडिटेशन सेंटर की व्यवस्था रहेगी। स्टेडियम में ग्रामीण क्षेत्रों एवं
मॉडर्न सिटी में खेले जाने वाले दोनों जगहों के खेलों को महत्व दिया गया है। स्थानीय रूप से बरसात के दौरान पानी के तालाबों में पानी भरा क्षेत्र के आगोरों में बारिश के समय इकट्ठे पानी में ग्रामीण बच्चों द्वारा असुरक्षित तरीके से अक्सर तैरने का प्रयास किया जाता है। उनके लिए मॉडर्न तरीके से स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। खेल मैदान में ट्रैक के आगे वाहन पार्किंग के लिए जो स्थान चिन्हित किया गया है उसे अगले चरणों में खिलाड़ियों की मांग पर कोई अन्य गेम की जानकारी उपलब्ध करवाई गई तो वह सुविधा भी प्रदान करने की कोशिश रहेगी। स्टेडियम का आर्किटेक्चर भी रूरल एरिया और राजस्थान को दिखाते हुए रखा गया है। इस स्टेडियम के निर्माण से बाड़मेर क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं और जिले को अपने आप में एक अलग पहचान मिलेगी। स्टेडियम निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर एवं समाज सेविका रूमा देवी का कहना है कि भारत के कल का निर्माण बेटियां करेंगी रोशन नाम। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, उनके सपनों को साकार करना है। डॉक्टर रूमा देवी ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान अध्यक्ष एवं राजीविका ब्रांड एम्बेसडर। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।